नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सभी विभागों को 1 नवंबर तक स्कीमों व सेवाओं को पीपीपी से जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इसी अखबार की कटिंग को लेकर हम आज की वीडियो में आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस तरह से रिलेटेड हम वीडियो को डालते ही रहते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंधित विभाग अध्यक्षों को बैठक में दिए निर्देश। कहा, परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप हाल ही में देख ही रहे होंगे कि परिवार पहचान पत्र का इतना क्रेज हो चुका है कि यह गवर्नमेंट ने इतना मैंडेटरी कर दिया है कि सभी जगह पर इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र हो, हरियाणा रेजिडेंट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, या फिर सरल हरियाणा पर दी गई जितनी भी सर्विसेज हैं उनको सभी को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। और इसके साथ साथ पंजीकरण, फसल ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी इसी के तहत किया जाता है। अभी विभाग में यहां पर 1 नवंबर तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, यहां पर बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें यहां पर बोला गया है कि 1 नवंबर तक स्कीमों व सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में जो भी इसका लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, किसी और को यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है, चाहे वह बीपीएल कार्ड हो या फिर दोस्तों कोई भी अदर स्कीम हो, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे हो, या फिर अलावा इसके जो भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कीमें वगैरह प्रोवाइड करती है, वो सभी अब परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के माध्यम से आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर संबंधित विभाग अध्यक्षों को बैठक के दौरान अध्यक्षता करते हुए, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बैठे हुए हैं, सभी को आदेश जारी कर दिए हैं। अगर आप यह पूरी खबर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर एक बार अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, आईटी युग में सेवाओं का सरलीकरण, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मिलेगा योजनाओं का लाभ। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, हम अपने चैनल पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो सबसे पहले पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए।